चलो, तो हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था उसमें से ये क्वेश्चन क्वेश्चन 22 में से 6th क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करना है इसमें, तो ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है, ब्रैकेट में तीन टर्म्स है, तो इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं। क्या आता है, ब्रैकेट में तीन टर्म्स है और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला पता ही लगता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस ब्रैकेट को भी लगाते हैं, इस ब्रैकेट को भी लगाते हैं, और उसके बाद उसके बीच में माइनस दिया है तो माइनस कर लेते हैं। बस बहुत आसान क्वेश्चन, ए के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, पहली टर्म 2a, बी के जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी टर्म, बी ही है दूसरी टर्म, और सी के जगह क्या पुट करेंगे, तीसरी टर्म -3c पुट करेंगे। ये याद रखना, अगर 3c पुट करेंगे तो अपनी वैल्यू गलत होने वाली है, अपने को माइनस डालना है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो फॉर्मूला प्लस का है और क्वेश्चन माइनस वाला है, तो सी की जगह अपने को -3c वैल्यू पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह -3 स्क्वायर प्लस 2 a into b a स्क्वायर b is b प्लस 2 into b into c b is b और c की जगह है -3c प्लस 2 into a into c a is 2a और c is -3c। तो ये हुआ हमारा पहला ब्रैकेट, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली दूसरा करेंगे, बाद में करते हैं। इसका मैं पहले आंसर निकाल लेता हूं, क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। मैंने आपको एक फंडा बताया था कि पहले तीन टर्म में से कभी भी कोई भी निगेटिव नहीं रहने वाला। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, भैया ये तो निगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस, गया क्वेश्चन का आंसर, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है। मैंने आपको बताया कि अगर निगेटिव को पावर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, फिर ये प्लस, पहली तीन टर्म में कभी कोई माइनस नहीं होगा। इसके बाद 2 2 = 4 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 = 6 bc फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 = 6 2 = 12 ac। ये आया हमारे पहले ब्रैकेट का आंसर। अब मैं दूसरे ब्रैकेट का निकाल रहा हूँ, दो ब्रैकेट के बीच में माइनस है, तो ये माइनस देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको फिर से इसको ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए के जगह 2a, बी के जगह -b और सी के जगह 3c, बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 3c स्क्वायर प्लस 2 into a into b a is 2a b is -b प्लस 2 into b into c -b into 3c प्लस 2 into a into c 2a into 3c। सो गया, सिंप्लीफाई करते हैं अभी इसको, माइनस लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस इट माइनस माइनस, 2 2 = 4 ab 3 2 = 6 प्लस 3 2 = 6 ब्रैकेट निकाल दो, ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, ये लोगों ने आपको बताया था ब्रैकेट देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस रहती है, ब्रैकेट जब निकालेंगे हर एक टर्म का साइन चेंज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गया काम से, इसलिए ये ब्रैकेट मैंने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, सारी संख्या मैंने इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे किसी का कोई साइन मैंने चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो प्लस इसके हर एक टर्म का मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ईच टर्म सबका साइन मैं बदल रहा हूँ, ये तो आप देख रहे हो, ये प्लस का हो गया माइनस, सबके साइन मैंने बदल दिया हर एक टर्म। अब क्या है फिर, ये प्लस 4a² माइनस 4a² प्लस b² माइनस b² प्लस 9c² माइनस 9c² प्लस 4ab प्लस 4ab सेम साइन आ गया आंसर 8ab
माइनस सिक्स बी सी प्लस सिक्स बी सी कैंसिल और क्या बचा माइनस ट्वेल्व ए सी और ये माइनस ट्वेल्व ए सी आंसर माइनस ट्वेंटी फोर ए सी। इसको आप यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो या एक स्टेप और करना है, एक स्टेप और आ सकती है। इसमें क्या कौन निकलता है, हमेशा बड़ी से बड़ी टर्म कॉमन निकालना है। हाँ को काट के कुछ लिखा क्यों नहीं, अगर 12AC को लिखा है और 4AB को काटा नहीं है। समझ में नहीं है क्या बोल रहे हो, तो सारे नंबर्स को काटा पर 4AB और 4AB को क्यों नहीं काटा है? अरे काटा किसको है, जो अपोजिट साइड के थे प्लस 5 माइनस 5 इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। लेकिन प्लस 5 होगा तो वो कैसे कटेगा, वो तो प्लस 5 तो 10 होगा ना। तो ये माइनस सिक्स बी सी था, ये प्लस सिक्स बी सी था, इसलिए ये जीरो हुआ। एट ए बी आया, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ए सी और माइनस ट्वेल्व ए सी का 24 ए सी आया। सिक्स बी सी का हमने कुछ क्यों नहीं लिखा है? वही मैं आपको बता रहा था कि अगर अलग साइन होते हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये सिक्स बी सी को साइन माइनस है, ये सिक्स बी सी को साइन प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 6 बीसी 0 बीसी कैंसिल हो जाएंगे ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, फिर 12 एस। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना। ओके okay, अभी अपने को कॉमन जो निकल सकता है वो निकालना है, बड़ी से बड़ी टर्म 8ab माइनस 24 एसी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी दोनों संख्या चार के टेबल में आती है, आठ के भी आती है, मैंने बताया था बड़ी से बड़ी टेबल यूज कर रहा है हमेशा। 8ab माइनस 24 bc, तो a तो कॉमन निकल ही रहा है, साथ में 24 भी निकलेगा। 8 into a into b, 8 into 3 का 24, 8 into c, तो a और 8 ये दोनों कॉमन निकाले, क्या बचा b माइनस 3c, इधर बचा b माइनस c, इधर बचा 3c, तो ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ कंफ्यूजन कुछ है तो बताओ। एक ऐसा ही जो और मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ उसमें प्लस है तो सिर्फ क्या फर्क आएगा, ये पूरा ऐसे ही करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसे ही करेंगे, सिर्फ वो ब्रैकेट में जो माइनस था उसके जगह प्लस होगा, तो प्लस होगा तो अभी हमने जो साइन इस ब्रैकेट के सबका साइन चेंज जो हमने किया उसमें किसी का भी साइन चेंज नहीं करेंगे, जो है वो ही रहेगा। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके मिटा दो इसको। जो होमवर्क दिया था उसमें से 25 में से 7 क्वेश्चन फैक्टराइज, तो कोई बताएगा क्या करना चाहिए? सर मैं समझू? हाँ तो बोल सर। ये चल अपन एक आइडेंटिटी लाओ तो। कौन सी वाली? a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो लेकिन ये फॉर्मूला इसको कैसे लगेगा, यहाँ पे पहली टर्म में कोई क्यूब नहीं है, दूसरे में सिर्फ y का क्यूब दिया हुआ है। सर अपन 8xy क्यूब ला 2xy का क्यूब लिख सकते हो। इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये तो y का क्यूब दिया हुआ ही है, लेकिन x को मैं x का ही क्यूब कैसे लिखूं? समझ गया ना पंडित, इसीलिए मैंने बोला कि आपने क्वेश्चन किया, आपने ये क्वेश्चन कैसे क्या पूछ लिया। आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी अपन लटक जाते हैं, होता है, पॉसिबल, कोई इशू नहीं। अर्जुन कुमार क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, समझ में आया ना आपने जो बोला वो गलत क्या है, समझ में आया ना? y का क्यूब है ठीक है दिया हुआ है, 8 भी आपने बोला 2 का क्यूब है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन x का क्यूब कहाँ दिया है, तो x को हम लोग x का क्यूब लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, कॉमन निकालो ना, पहली टर्म दूसरी टर्म क्या कॉमन है, x, यहाँ कुछ भी नहीं है साथ में, तो 1 बचेगा ना, तो x कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, 1 - 8y का क्यूब, बराबर। अब लगाओ फॉर्मूला, अब लिखो 1 को 1 का क्यूब, माइनस 8y को 8y क्यूब को 2y का क्यूब, अब इसका
समझने का फॉर्मूला, ये ए है और ये बी है, ए क्यूब माइनस बी, दो क्यूब होने चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो अभी ए क्यूब है, क्यूब के जगह क्यूब है, ए के जगह क्या है वन, यहाँ क्यूब के जगह क्यूब है, बी के जगह क्या है टू वाई, अब बी के जगह सिर्फ टू वाई लिखना है, गलती से माइनस टू वाई नहीं लिखना है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला प्लस वाला था, हमने देखो ऐसा फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर, ये फॉर्मूला हमने लगाया, किस टाइप के क्वेश्चन को, या ऐसा क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन, तो फॉर्मूले में फॉर्मूला पूरा प्लस वाला, क्वेश्चन माइनस वाला, इसलिए हमको b के जगह क्या डालनी पड़ी वैल्यू, कैसे डालनी पड़ेगी, माइनस वाई डालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला प्लस का है क्वेश्चन माइनस का है, इस क्वेश्चन में ऐसे करने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन माइनस का है तो फॉर्मूला भी माइनस वाला ही लगा रहे हमको, तो बी के जगह हमको सिर्फ टू वाई ही पुट करना है, ठीक है, वैल्यू डालेंगे क्वेश्चन खत्म, ए माइनस बी तो ये हुआ वन माइनस टू वाई, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, वन इंटू टू वाई प्लस बी स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर, आंसर 1 minus 2y, 1 square is 1, 2 1 is 2y, 2 square 4, y square is y square. बताओ, confusion बोलो बेटा. चलो बेटा, next question, homework worksheet वाला 8वां question, बहुत ही आसान है, किताब के टाइप का ही है. हमको दिया था, minus 1 by 2 जो है, वो इस polynomial का रूट है, तो a की value find करो. तो बहुत ही आसान होता है ऐसा क्वेश्चन, रूट कैसे पहचानते हैं हम लोग, एक वैल्यू दे दिया मान लो, एक पॉलीनोमियल दे दिया और पूछा कि बताओ ये रूट है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो वैल्यू उसमें पुट करते हैं पॉलीनोमियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई पॉलीनोमियल हमने को दे दिया और फिर ये पॉलीनोमियल फॉर एग्जांपल ऐसा दे दिया और बोला कि बताओ कि ये इसका रूट ये है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसमें वैल्यू कर देते थे, सबसे पहले इसको एक नाम दे दिया, फिर बोला कि चलो ये वैल्यू चेक करना है ना रूट है कि नहीं, तो x की जगह ये वैल्यू करते थे, फिर ये आया 5 into minus 5 plus plus, इसको सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करके अगर आंसर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू पुट की वो रूट नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर जीरो आता है, देन दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, या फिर दैट इज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, तो ऐसे हम लोग पहचानते थे रूट है कि नहीं या जीरो है कि नहीं, अब हम लोगों को तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ही दे दिया ना कि माइनस वन बाय टू इज द रूट, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा पॉलीनोमियल है इसको मैंने नाम दे दिया अपने मन से 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, अगर हमको दे दिया है इसने कि x इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज द रूट माइनस 1 बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इज द रूट, अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज गिवन, तो जब मैं x के जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्योंकि रूट तो उसी को बोलते हैं जब वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आता है, तो मतलब अपने तो पता है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, तो बस इसमें वैल्यू डाल दो इज इक्वल टू जीरो लिख दो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो देयरफॉर p ऑफ माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू इसमें वैल्यू डाल दो 8 इनटू माइनस 1 बाय 2 क्यूब, उसके बाद माइनस 8 इनटू माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस फिर माइनस 1 बाय 2 प्लस 2 लास्ट वाली में सिंप्लीफाई करेंगे फाइनल आंसर, इसका आंसर कितना आएगा ये वैल्यू डालने के बाद, जीरो आएगा, हमने अभी बताया क्यों जीरो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये रूट है तो जीरो ही आने वाला है, सॉल्व करते हैं 8 माइनस को पावर ऑड अगर है तो आंसर माइनस ही रहेगा, का क्यूब 1 का क्यूब 8 ये माइनस है, वैसे ही माइनस को पावर इवन है तो आंसर प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस इन माइनस प्लस 1 बाय 2 प्लस 2, ये 8 कट गया ऊपर नीचे का, यहाँ आया माइनस 1,
प्लस इनटू माइनस इज माइनस, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई ए इनटू वन इज ए, नीचे फोर वन जा फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई वन वन जा वन प्लस टू जा फोर दैट इज फाइव अपॉन टू वन जा टू, वन वन जा वन प्लस टू जा फोर अपॉन टू वन जा टू फाइव बाई टू, आंसर कितना आने वाला है जीरो। एक काम करता हूँ माइनस ए बाय फोर को इधर लेके जाता हूँ, ये हो गया प्लस ए बाय फोर, क्या बचा माइनस वन प्लस फाइव बाय टू, फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस फाइव वन जा फाइव नीचे टू वन जा टू, आंसर इज थ्री बाय टू, लेकिन आंसर ए का नहीं है ये ए बाय फोर का है। ए निकालने के लिए यहाँ से जो फोर डिवाइड में है वो डिवाइड वाली संख्या इधर जाती है तो मल्टीप्लाई होती है, अब टू वन जा टू टू सर ए आया थ्री टू जा सिक्स। बताओ कंफ्यूजन बताओ। ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसमें से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से सेवेंथ है इलेवेंथ, ओके जो होमवर्क दिया था उसमें से इलेवेंथ क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द रिमाइंडर सेम रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर है वो नहीं बताया लेकिन सेम रिमाइंडर, दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस टू, इसको अगर x माइनस टू से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर मिलता है वही रिमाइंडर इसको डिवाइड करने के बाद मिलता है, तो एक ही वैल्यू फाइंड करो। तो मैं एक काम करता हूं, दो मिनट के लिए एक पॉलिनोमियल को भूल जाता हूं, मैंने लिखा लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है और इसको कौन सा डिवाइजर है, x माइनस 2 इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज x माइनस 2, तो अगर x माइनस 2 डिवाइजर है तो देयरफॉर हम लोग पुट करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और x की जगह आप जब हम लोग 2 पुट करते हैं तो इसकी जो कुछ वैल्यू मिलती है वो वैल्यू क्या होती है, कोई भी बताओ व्हाट इज दैट वैल्यू सर, आप रिपीट कर सकते हो कि आपकी आवाज कट रही थी। ओके मैंने बोला कि जब हम लोग डिवाइजर अगर x माइनस टू दिया है तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू टू, ये x इक्वल टू टू वैल्यू जब हम लोग गिवन इक्वेशन में गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू क्या होती है, आंसर नहीं चाहिए, व्हाट इज दैट रिमाइंडर, दैट इज द रिमाइंडर, तो हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसको अब मैं x इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इनटू 2 क्यूब प्लस a इनटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इनटू 2 माइनस 5, 2 इनटू 2 क्यूब इज 8 प्लस a इनटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 इनटू 2 इज 6 माइनस 5, 8 to the 16 plus 4a plus 1 इसका आंसर निकाल लिया हमने plus 1, तो ये हुआ 17 plus 4a, अभी इसको आगे गलती से इसका आंसर कुछ लोग 21a निकाल लेंगे और फिर वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये कैसे ऐड होगा, ये अनलाइक टर्म, इसको ऐसे ही रखना है 17 plus 4a, ये आया हमारा रिमाइंडर जब हमने इसको x minus 2 से डिवाइड किया, बस वैसे ही अब इसके इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू सेम पुट करेंगे क्योंकि डिवाइजर तो कॉमन ही है, x माइनस टू से ही उसको भी डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर निकाल लेता हूं क्या आता है, उसको मैंने नाम दे दिया सेकंड पॉलिनोमियल को q ऑफ x, g ऑफ x देना है, g ऑफ x को जो नाम देना है दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर सेकंड पॉलिनोमियल माइनस 4x प्लस 8, इसमें अब वैल्यू डाल रहा हूं तो देयरफॉर q ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो इस क्वेश्चन में डिवाइजर सेम था, उन्होंने क्या बोला था इसको भी x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी x माइनस टू से ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दोनों इसमें x की एक ही वैल्यू डाल रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ x माइनस टू से और दूसरे पॉलिनोमियल को करता हूँ फॉर एग्जाम्पल x माइनस थ्री से तब रिमाइंडर सेम आता है, ऐसे भी आ सकता है, तो उस केस में पहले इक्वेशन का जो डिवाइजर रहेगा पहले पॉलिनोमियल का उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे पॉलिनोमियल का अगर डिवाइजर अलग दिया x माइनस थ्री दिया तो x की वैल्यू पुट करेंगे, मैं क्या पुट करेंगे
मैं बोल रहा था अगर इसका डिवाइजर होगा x माइनस थ्री तो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे थ्री उसमें, फिर उस केस में अलग अलग वैल्यू पुट किया होता, लेकिन हमने दोनों का डिवाइजर सेम दिया है तो जिस इसमें जो वैल्यू डालना है वही वैल्यू इसमें भी डालना है, तो एक क्यू ऑफ टू निकाल रहा हूँ ना, क्यू ऑफ एक्स ये है, इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ये आया टू का क्यू प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस एट, टू स्क्वायर इज फोर माइनस फोर टू सा एट प्लस एट, प्लस एट माइनस एट कैंसिल, आंसर इज फोर प्लस एट। अब ये रिमाइंडर है ना, इसको अगर मैं x माइनस टू से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या मिलता, ये रिमाइंडर मिलता, वैसे ही ये भी रिमाइंडर है। अब इन्होंने दो रिमाइंडर के बारे में हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है वी गेट द सेम रिमाइंडर, ऐसा उन्होंने ही दे दिया, इसका मतलब ये रिमाइंडर की वैल्यू और ये रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, तो अब मैं लिखता हूं बट रिमाइंडर इज सेम गिवन, रिमाइंडर सेम है, एक चीज तो दिया है, इसका मतलब 4 प्लस 8 की वैल्यू और 17 प्लस 4 8 की वैल्यू ये सेम है। अभी इसको हमको सॉल्व करना है, जैसे हम लोगों ने सातवीं में आठवीं में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किए थे वैसे सॉल्व करना है। अभी अर्जुन याद आ रहा है हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन क्यों बहुत सारे किए, ये वाले चैप्टर में सौ सौ क्वेश्चन किए थे मेरे ख्याल से ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो क्यों किए थे, क्योंकि ये बेसिक, ये अपने को हमेशा के लिए आने वाला। अब a को a की तरफ लेके जाएंगे, शादी टर्म को शादी टर्म लेकर, 4 a की तरफ में ये a लेके गया, प्लस था उधर माइनस हुआ, जिससे ये 4 यहाँ का ऐसे के ऐसे उसका साइन वो ही रहेगा, प्लस 17 हुआ माइनस 17, ये आया 3a माइनस 13 और a की वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पे आके हो गया, a मिल गया माइनस 13 बाय 3। बताओ कंफ्यूजन पूछो बेटा कुछ भी, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपनी किताब में तो नहीं है लेकिन आते हैं एग्जाम, मैंने जो बोर्ड दिया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 20। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है इफ दिस पॉलीनोमियल हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर, तो उन्होंने दे दिया है हमको कि इसका x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है, ऐसा बोला हुआ, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो अगर जब मैं रिमाइंडर निकालता हूं तो मेरा जीरो ही आता है ना, तभी तो वो फैक्टर होगा। तो इसका मतलब हमको बोला है कि इसको जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, ऐसे नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दे दिया, बोला कि ये फैक्टर है, मीनिंग तो वही हुआ कि रिमाइंडर जीरो होने वाला, और अगर डिवाइड करोगे x माइनस 3 से देन इट लीव्स अ रिमाइंडर 3, अगर इसको x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, अगर x माइनस 2 से करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है, तो a और b निकालो, तो करते हैं देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं इसको नाम देता हूं एक पॉलीनोमियल को जो दिया हुआ है p ऑफ x, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या बोला है, x प्लस x माइनस 2 इज अ फैक्टर बोला है, x minus 2 is a factor, तो therefore p of 2, अगर मैं x की जगह 2 value put करूंगा, 2 क्यों put करूंगा, ये समझ में आया क्या, क्योंकि ये factor है, तो इसका मतलब जब मैं इससे divide करता हूँ, तो divisor तो x minus 2 ही होता है, मुझे कोई संख्या दिया है और बोला कि बताओ 2 जो है वो 10 का factor है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 2 से divide करूंगा, 10 को check करूंगा, तो अगर x माइनस 2 उन्होंने बोला इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, देयरफॉर जब मैं वैल्यू पुट करता हूं x की जगह 2 तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो मैं वैल्यू डाल रहा हूं इसमें, तो p ऑफ 2 इक्वल टू सॉरी 0, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 2q प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 टू बी इज 8 4a प्लस कर दो प्लस 2 इंटू b इज 2b प्लस 6 8 प्लस 6 14 प्लस 4a प्लस 2b लेकिन ये वैल्यू क्या आने वाली है 0 बिकॉज दिस इज द फैक्टर दिया हुआ था तो p ऑफ 2 आने वाला है 0 हमें 14 निकालने के जाता हूं प्लस का हो गया माइनस
4a + 2b = -14। इसको फिलहाल ऐसे रख दो। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, ए और बी को ऐड नहीं कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा का क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, संख्या छोटी कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ। वैसे ही फिर और एक क्या दिया था, इसको x माइनस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो बोला था रिमाइंडर आता है 3। तो मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, क्योंकि डिवाइजर क्या है, x माइनस 3 इज द डिवाइजर। सिमिलरली x माइनस 3 इज अ डिवाइजर, तो देयरफॉर पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3। देयरफॉर p of 3 इज इक्वल टू 3 cube + a × 3² + b × 3 + 6। 3 × 3 = 27, 3² = 9a + 3b + 6, 33 + 9a + 3b। लेकिन ये अगर हमारा रिमाइंडर आया भी आएगी वैल्यू रिमाइंडर की, लेकिन जैसे पहले कंडीशन में बोला था कि x माइनस 2 तो फैक्टर है, तो हमने बोल दिया कि इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू तो 0 है। वैसे इस क्वेश्चन में इस कंडीशन में दिया है कि x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 उन्होंने दे दिया है कि रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बोला है b1 कि रिमाइंडर 3 आता है। तो इसमें मैं यहाँ इसलिए मैंने यहाँ 3, अभी यहाँ पे जाके हुआ -3 - 33 = 9a + 3b, दैट इज -30 = 9a + 3b। बताओ यहाँ तक कंफ्यूजन, पूछ लो कुछ है। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का पार्ट बताओ तो क्या करना है। अब देखो इसको और आगे अपने को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है मतलब ए और बी की वैल्यू निकालना है। ये है, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका अपने को चैप्टर है 10, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल है, ए बी, दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन है जो हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, अलग अलग मेथड है 10 में, अपने को 2-3 मेथड है, बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको सिंपल वाली मेथड बताता हूँ। इसमें क्या करूं, दो जो इक्वेशन अपने बने हैं, दो में से किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू बनाओ, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू बनाओ। मतलब इसमें से या तो a इज इक्वल टू तैयार करो या तो b इज इक्वल टू तैयार करो। अगर इसमें से वैल्यू बनाते हो तो इसमें पुट करो, और अगर इस इक्वेशन में से a या b की कोई वैल्यू तैयार करते हो तो इस इक्वेशन में पुट करो। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं, अगर मैं ऐसे ही वैल्यू तैयार करूंगा, मान लो मैंने यहां डिसाइड किया कि चलो मैं यहां से b की वैल्यू बनाता हूं, b इज इक्वल टू, तो देखो मैं कैसे तैयार करूंगा, ये माइनस 30 है, प्लस 9 यहां जाएगा, माइनस 9 होगा, माइनस 30 माइनस 9 a, ठीक है ना, प्लस 9 ये हुआ माइनस 9 इज इक्वल टू 3b। नेक्स्ट स्टेप में 3 यहां पे आके होगा डिवाइड, माइनस 30 माइनस 9 a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू b। अब बनी हमारी b की वैल्यू। अब 3 वन का 3 और 3 10 का 30 कर दिया तो क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -30/3 - 9a/3, क्योंकि ये जो डिवाइजर है वो तो दोनों का ही है, अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 × 3 = 3 × 3 = 3, वैल्यू क्या बनी, -10 - 3a। तो देखो ऐसे वैल्यू तैयार करना है, या तो a की या b की। अब मैंने b की वैल्यू बनाई, सेकंड में से बनाई, इक्वेशन 2 से बनाई तो इक्वेशन 1 में पुट करो, अगर 1 से बनाई तो 2 में पुट करो। अब लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करने वाले, इसको थोड़ा हम लोग क्या करने वाले,
हमको b की वैल्यू तैयार करनी है, b इक्वल टू चाहिए। ये टर्म्स देखो कैसी है, ये हर एक टर्म तीन के टेबल में ही आने वाली है, तीन के टेबल की टर्म है, तो मैं पहले ही सबको तीन से डिवाइड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय थ्री और हर एक संख्या को तीन से डिवाइड कर देता हूँ। इसको तीन से डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस टेन, माइनस तो ऐसे ही रहेगा ना, माइनस कहाँ है, इज इक्वल टू थ्री ए प्लस बी। बी की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इसको इधर नहीं जाना पड़ेगा, आगे देखो बी की वैल्यू बन गई बी की वैल्यू। अब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन वन में, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में डाल रहा हूं। क्या है इक्वेशन वन, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर ए प्लस टू बी, वैल्यू पुट कर सकता हूं, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर ए प्लस टू इंटू बी की जगह बी की वैल्यू क्या है, वैल्यू माइनस टेन माइनस थ्री ए। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारी ए की वैल्यू मिल जाती है क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ ए ही है, आंसर आ जाएगा। एक काम करो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो एक निकला, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर ए प्लस, अब प्लस टू से मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस से करूंगा तो अंदर का सेम वही रहेगा, आएगा माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी टेन टू जर साइन अंदर पे जाएगा क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और टू थ्री जर सिक्स से ये ए है थर्टीन ए, तो ये होगा माइनस सिक्स, सेम साइन है डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट किया माइनस टू ए आया, ये ट्वेंटी आ गया माइनस टू होगा प्लस, माइनस फोर्टीन प्लस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू माइनस टू ए, ए इक्वल टू सिक्स बाय माइनस टू ए इक्वल टू माइनस थ्री, ए मिल गया। अब बी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, हमारे पास तीन इक्वेशन है, ये हमने बी की जो वैल्यू तैयार की है ना वो हो गया हमारा इक्वेशन थ्री, तीन में से किसी में भी डाल दो बी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं तीसरे में डाल देता हूँ, हमारा ऑलरेडी बी इज इक्वल टू तैयार करके रखा हुआ है, उसी में डाल देता हूँ इन इक्वेशन वन या तो टू या तो थ्री, किसी में भी डालो आंसर वही आने वाला है, चेंज नहीं होगा। मैं थर्ड में डाल रहा हूं बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू माइनस टेन माइनस थ्री ए, तो ये हुआ माइनस टेन माइनस थ्री टू ए, ए की वैल्यू डाल रहा हूं क्या है माइनस थ्री, माइनस टेन माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री थ्री सा नाइन, बी की वैल्यू क्या मिली माइनस वन, तो ये हुआ ए और बी दोनों वैल्यू मिल गई। फाइनल आंसर हमेशा कितना भूलना मत, आंसर इज ए माइनस थ्री एंड बी माइनस वन। फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करो, जो इक्वेशंस बीच में हमारे बनते हैं उनको हाईलाइट करो, बताओ कंफ्यूजन बताओ।